नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मीटर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने के कारण खांदा कॉलोनी स्थित तुलसी प्रेरणा अपार्टमेंट में लगी आग, 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। राज्य स्तरीय शालेय हैंडबॉल स्पर्धा का कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया आयोजन, विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया उद्घाटन। और पनवेल नगर पालिका द्वारा पनवेल शहरों में किए जा रहे हैं विभिन्न विकास कार्य, बल्लाड़ेश्वर मंदिर के पास किया जा रहा है पेवर ब्लॉक का कामकाज। कामोठा के रहिवासी डॉक्टर हेमंत इंगले ने शुरू किए एक दंत पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन, दीपावली के पावन पर्व पर विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। कामोटे के रहिवासी डॉक्टर हेमंत इंगले ने शुरू किए एक दंत पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन, दीपावली के पावन पर्व पर विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर शिक्षण और आरोग्य सभापति बाळाराम पाटिल, पनवेल पंचायत समिति के पूर्व सभापति प्रमोद भगत, कृष्णा हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रकाश भोसले, तालुका सह चिटनीस सखाराम पाटिल, शेका पक्ष के ज्येष्ठ कार्यकर्ता शंकर शेठ म्हात्रे, तानाजी म्हात्रे आदि गणमान्यों से डॉक्टर हेमंत इंगले के चाहने वाले बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने डॉक्टर हेमंत इंगले को शुभकामनाएं दी और हेमंत इंगले के माता पिता की प्रशंसा की और उनका आदर्श लेने का आह्वान किया। डॉक्टर हेमंत इंगले डॉक्टर प्रियदर्शन इंगले शुभेच्छा देने से पूर्व डॉक्टर इंगले यांचे वडील दादासाहेब इंगले आणि त्यांच्या आई सभागृहातील खशीबाई इंगले यांचं मी मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो। कारण प्रस्तावितामध्ये उल्लेख केला मान सारख्या सुकाळी भागातनं आपलं कुटुंबाचं आणि आपलं चरित्राचं चालवून उभे येऊन त्या ठिकाणी पोर्टमध्ये एक साधी कामगाराची नोकरीपासून जीवनाला सुरुवात करून सर्व अडचणींवर मात करून आपल्या दोन्ही मुलाला, एका मुलाला त्यांनी डॉक्टर केलं आणि एका मुलाला इंजिनियर केलं, एवढ्या वरच्या पदापर्यंत शिक्षण आजच्या काळामध्ये सामान्य माणसाला एवढं शिक्षण घेणं, कामगार म्हणून मुंबईत नोकरी करत असला तर त्याला सुद्धा आजच्या महागड्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये शिक्षण देणं एवढं सोपं काम नाही। पोटाला चिंता घेऊनच त्याने दोन मुलांना या ठिकाणी शिकवलेलं असतील, त्यांना मी मनपूर्वक या ठिकाणी धन्यवाद देतो आणि त्यांचा आदर्श पुढच्या पिढीला आपल्या मुलांचा वापर घ्यावा अशी या ठिकाणी देखील सूचना मी या ठिकाणी निश्चितपणे करत आहे। तथा शिक्षण और आरोग्य सभापती बाळाराम पाटील ने डॉक्टर हेमंत इंगळे को शुभकामनाएं दी। डॉक्टर द्वयाला या ठिकाणी त्यांच्या क्लिनिकचं उद्घाटन करत असताना उदंड असा प्रतिसाद या ठिकाणी मिळेल आणि चांगलं हॉस्पिटल म्हणून त्यांचं भविष्यामध्ये नावलौकिक होईल अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा देतो। अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी ह्या कार्यक्रमाचं नियोजन झालेलं आहे। डॉक्टर मंडळींची आपण जी ओळख घेतली, एक दुष्काळी मान तालुक्यातून आलेले आहेत आणि दुसरे वाळव्यासारख्या सुपीक भागातून आलेले आहेत, त्याचा डॉक्टर साहेब सुवर्णामध्ये आपण साधलेला आहे। नव्या मुंबईतील सगळ्यात सुरक्षित आणि सगळ्यात चांगलं वातावरण असलेला हा विभाग आहे। भविष्यामध्ये या ठिकाणी काम करत असताना डॉक्टर साहेबांनी सुचवल्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी आपली जनसेवा लोकांना द्या, निश्चितपणानं लोकांचं सहकार्य आपल्याला मिळेल, ते उदंड मिळावं अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो। इतवार के दिन शाम के वक्त खांदा कॉलोनी सेक्टर 1 के तुलसी प्रेरणा अपार्टमेंट में आग लगने की घटना घटी, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए का भारी नुकसान हो गया है, जिसमें कोई भी जीवित हानि न होने की पुष्टि है। देखते हैं खबर विस्तार से। बीती रात पनवेल स्थित सेक्टर 1 के तुलसी प्रेरणा इस 14 मंजिले इमारत को आग लग गई। घटना रविवार की है। तुलसी प्रेरणा अपार्टमेंट में लगी हुई आग मीटर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी, ऐसा बताया जा रहा है। रविवार के दिन शाम 5:30 के दरमियान खांदा कॉलोनी सेक्टर 1 के तुलसी प्रेरणा अपार्टमेंट में यह आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए पनवेल कलंबोली के 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर रवाना हो गई। इस 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई है। लगभग 2 घंटों के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल हुई। इस घटना में लगभग 10 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। आग कैसे लगी और किस वक्त लगी, इसकी जानकारी यहाँ पे खड़े नागरिकों ने दी।
ज्यावेळेला मी आणि कळमुनीचे सरपंच रवी भगत आम्ही ह्या रूटने पनवेलला जात होत असताना आम्हाला बिल्डिंगमध्ये वरती धूळ दिसला आम्हाला. त्यावेळेला आम्ही काय केलं की आम्ही काय प्रॉब्लेम म्हणून आम्ही आतमध्ये टर्न मारला आणि इकडे आलो तर बघतोय ते काय की पूर्ण बिल्डिंगला आग लागली होती. सगळा धूर झालेला बहुत जमने धुआं देखा ना हम लोग सामने वाली बिल्डिंग में थे. जब वो धुआं देखा ना तो धुआं देखते हम सब लोग इधर आने चालू करे जी. तो इनिशियली जितने भी जो धुआं था वो उस साइड से निकल रहा था मगर धीरे धीरे देखा वो धुआं दूसरे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे से निकलना चालू हो गया. फिर हम सब लोग भाग के यहाँ पर आए और देखा सब लोग आ गए. ये तो लग गया था कि आग आ कहीं ना कहीं तो है. तो देखा नीचे इलेक्ट्रिकल टर्मिनल में पूरा जो इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स है वहां पे जंक्शन बॉक्स में बुरी तरीके से टैचनेस हो चुका था जी. वो आग धीरे धीरे जब दूसरे डिफरेंट फ्लोर पे जब आग जो धुआं निकलना चालू हुआ ना तब ऐसा लगा कि आग लगी मतलब कि ऊपर जो फैल रही है तो ऐसा लगता है कि थ्रू इलेक्ट्रिकल का जो केबल जो डक्ट है ना उसके थ्रू जो फायर है नीचे से लेकर ऊपर तक कैरी ओवर हुई है. कलमबोली पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक जय सिंह तांबे ने कोई भी जीवित हानि न होने की जानकारी दी. आगीची माहिती आम्हाला 4:30 वाजता सुमारास मिळाली. जशी आम्हाला आगीची माहिती मिळाली उपलब्ध स्टाफनुसार आम्ही या ठिकाणी ताबडतोब आलो आणि त्या डी विंगच्या जो इलेक्ट्रिक केबिन आहे त्या ठिकाणी प्रथम दर्शनी आग लागल्याचं दिसलं. ताबडतोब दरम्यान फायर ब्रिगेडला पण बोलवलं. फायर ब्रिगेडही आले आणि आग आटोक्यात आणण्यासाठी पूर्ण जे उपलब्ध होते स्थानिक लोकांनी मदत केलेली आहे. तहसीलदार माने साहेब होते ते पहिल्यापासून होते ते मॉनिटर करत होते. त्यानुसार संपूर्ण आग आटोक्यात आणलेली आहे. आगीमध्ये जखमी झाल्याचं कोणी अद्याप पाहिजे समोर आलेलं नाही. तो वही फायर ब्रिगेड के अधिकाऱ्यांनी अधिक जानकारी दी. तर आम्ही ताबडतोब तिथं आल्यानंतर खाली पेटलेला आम्हाला दिसला आणि ते धुराचा लोड वाढल्यामुळे ते सगळे लोक ओरडाओरड करत होते. त्यानंतर आम्ही बिल्डिंगमध्ये शिरून पाईपलाईन घेऊन प्रत्येक माळ्यावर पाणी मारत आणि कोणी आहेत का फ्लॅटमध्ये ते चेक करत गेलो आणि फ्लॅटमध्ये असलेल्या लोकांना बाहेर काढून सुरक्षित बाहेर काढून त्यांना खाली पाठवले. काही लोकांना टेरेसवरती पाठवले. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक विवेक पाटील, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बाळाराम पाटील, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, जिला प्रमुख बबनदादा पाटील ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और नागरिकों से बातचीत की. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. आप कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. NPAचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट वर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकरची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबई द्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक
बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745-9111, 2746-2700 आणि 3298-3363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांसा, इंडिगो सीएस, इंडिका, इंडिका विस्ता, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहाँ तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्चून कार्स का यही है इरादा. क्यों निशा जी, कहीं आज शॉपिंग का इरादा तो नहीं? सही पहचाना आपने, आज मैं पनवेल जा रही हूँ सारी शॉपिंग के लिए. साची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, बेस्ट क्वालिटी एंड रीजनेबल रेट्स यहाँ की खासियत है. शादी ब्याह हो या फैमिली फंक्शन, सांची में आपको हर तरह की साड़ी मिलेगी. यह है डिजाइनर साड़ी, ब्राइडल वेयर हमारी प्यारी दुल्हन के लिए. यह है खूबसूरत प्योर सिल्क वर्क साड़ी, हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगाए सुपर नेट साड़ी. हमारी खूबसूरती को बढ़ाए प्योर सिल्क पैठनी, प्योर सिल्क शालू और सेमी सिल्क साड़ीज, साथ में 9 बार 12 बार साड़ीज, प्रिंटेड साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज एंड गाउन और सूटिंग शर्टिंग भी आपको सांची में मिलेंगे. एक हसीन ख्वाब सांची, दिन की पहली किरण सांची. सांची सिल्क साड़ीज एंड वेडिंग स्टूडियो, आदित्य कॉम्प्लेक्स, जय भारत नाका, पनवेल. फोन 2745-3435. क्रीडा एवं युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे और जिला क्रीडा परिषद समिति रायगढ़ द्वारा राज्य स्तरीय शालेय हैंडबॉल 2011-12 का आयोजन सोमवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी पनवेल में किया गया था, जिसका उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया. क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे अंतर्गत जिला क्रीडा परिषद समिति रायगढ़ द्वारा राज्य स्तरीय शालेय हैंडबॉल स्पर्धा 2011 का आयोजन सोमवार को कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी पनवेल में किया गया था. इस राज्य स्तरीय शालेय हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया. इस अवसर पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बाळाराम पाटिल, जिला क्रीडा अधिकारी संजय महाडिक, रायगढ़ जिला हैंडबॉल संगठन के अध्यक्ष सदाशेठ साबळे, क्रीडा व युवक सेवा बंबई विभाग के NB मोटे, छत्रपति पुरस्कार विजेता बकाले सर आदि गणमान्य सहित अध्यापक और खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल ने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित किया. आम्ही काय स्वप्न पाहिलेली आहेत, पाहतो आहोत,
आणि ती स्वप्न प्रत्यक्षात कृतीत आणण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. काय स्वप्न आमचं आहे स्पर्धा ही क्रीडा अकॅडमी स्थापन करताना की आपल्या ह्या विभागातले खेळाडू ऑलिम्पिक पर्यंत पोहोचावे प्रत्येक खेळामध्ये, हे स्वप्न आम्ही पाहतो. आणि हे स्वप्न पाहत असताना या ठिकाणी समोर बसलेले खेळाडू आणि मार्गदर्शकांना एकच विनंती करेल. पखाले सरांनी या ठिकाणी सांगितलं कॅम्प घ्या. आपल्या हँडबॉल स्पर्धेत ना ज्या विद्यार्थी जे स्वप्न बघत असतील का नाही मी भरपूर मेहनत करेन, मी कष्ट घेईन आणि ऑलिम्पिक पर्यंत पोहोचेन, अशी जे कोणी स्वप्न बघणारे किंवा मेहनत करणारे खेळाडू आहेत त्यांच्यासाठी कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमी सगळ्या प्रकारचं सहकार्य केल्याशिवाय ठेवणार नाही ही ग्वाही मी या ठिकाणी या निमित्तानं आपल्याला देत आहे. आम्ही हे सारे प्रयत्न करत असताना आम्ही एक लक्षात गोष्ट आलेली आहे, केवळ रायगड जिल्ह्यापुरता किंवा पनवेल पुरता विचार करून एवढे पुढच्या खेळाडू जाणार नाहीत, तर आपलं कार्यक्षेत्र आता हळूहळू राज्याच्या लेव्हलचं करावं लागेल ही गोष्ट आमच्या ध्यानात आलेली आहे. आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातनं आपल्या हँडबॉल अनेक खेळ आहेत पण त्यातला आपला आजचा जो हँडबॉलचा स्पर्धेचा खेळ आहे यासाठी आम्ही एक स्वतंत्र चांगला अत्याधुनिक ग्राउंड जे ऑलिम्पिक मध्ये अशा प्रकारचं ग्राउंड लागतं, कारण आपल्या मुलांना सुद्धा आतापासून ऑलिम्पिक लेव्हलच्याच ग्राउंड वर खेळण्याची आपण त्या ठिकाणी सवय ठेवली पाहिजे, तर अशा प्रकारचं ग्राउंड देखील येत्या 3-4 महिन्यामध्ये आम्ही या अकॅडमी मध्ये हँडबॉल स्पर्धेसाठी स्वतंत्र तयार करणार आहोत. त्याचा देखील फायदा या ठिकाणी आपण घ्यावा आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण निश्चितपणे पुढे जावं अशी माझी आपल्याला विनंती आहे. और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभापति बाळाराम पाटील ने भी उपस्थितियों को संबोधित किया. कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमी ची स्थापना करत असताना आमदार विवेक पाटील साहेबांनी जे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलेलं होतं त्या उद्दिष्टामध्येच या क्रीडांगणाचा या भूमीचा वापर अशा पद्धतीच्या खेळाडूंना घडवण्याच्या उपक्रमासाठी व्हावा हे अपेक्षित होतं आणि आजच्या ह्या उपक्रमामुळे आमचा तो उद्देश या ठिकाणी साध्य होतोय. ज्या उद्देशानं कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमीची स्थापना आपण केलेली आहे ते निश्चितपणानं त्याच कार्यासाठी वापरलं जातंय याचा मनस्वी आनंद या ठिकाणी माझ्यासारख्या क्रीडा कार्यकर्त्याला आहे. आपण साऱ्यांना या ठिकाणी 6 दिवस होणाऱ्या स्पर्धेसाठी मनापासूनच्या शुभेच्छा देतो. या स्पर्धा होत असताना हार जीत होणार आहे, कोणीतरी जिंकणार आहे, कोणीतरी हरणार आहे, हार जीत ही महत्वाची नसून स्पर्धेमध्ये आपण साऱ्यांनी सहभागी होणं आणि या स्पर्धा खेळाडूपणानं या ठिकाणी पार पडणं महत्वाचं आहे. पनवेल नगर पालिका के शेष फंड द्वारा इन दिनों पनवेल शहरों में विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं. इतवार के दिन नगर पालिका के 3,51,000 रुपए के शेष फंड द्वारा पनवेल स्थित बल्लारेश्वर मंदिर नजदीक पेवर ब्लॉक का काम किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया. पनवेल नगर पालिका के 3,51,000 रुपयों के शेष फंड द्वारा पनवेल बल्लारेश्वर मंदिर के नजदीक पेवर ब्लॉक का कामकाज किया जा रहा है. इस पेवर ब्लॉक के कामकाज का भूमि पूजन रविवार को नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल के हाथों किया गया. इस अवसर पर नगर सेवक प्रदीप यादव, शेखा पक्षी के युवा नेता गणेश कड़ू, बीजेपी के पनवेल शहर अध्यक्ष संजय घोड़के आदि गणमान्य सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस विकास कार्य की अधिक जानकारी पनवेल नगर पालिका के नगर अध्यक्ष संदीप पाटिल ने दी. जो आज आपण भूमिपूजन केलेलं आहे, गणपतीपूर्वीच जाधव साहेबांनी आम्हाला इथं येऊन आम्ही व्हिजिट दिली होती इथल्या नागरिकांची आणि एक स्वतंत्र घाट असावा इथे पेवर ब्लॉक बांधणे, कारण गणपतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात इथे भाविक येतात, इथं विसर्जन घाट वगैरे आहे, तर त्या दृष्टीने आम्ही हे प्रयत्न केले होते. परंतु बजेट प्रोव्हिजन संपल्यामुळे त्या गणपतीमध्ये जरी आम्हाला हे करता आलं नसेल तरी पुढच्या ताबडतोब मीटिंगमध्ये या कामाला आम्ही मंजुरी दिली आणि 3,51,000 या कामाला आज मंजुरी देऊन आम्ही कामाचं भूमिपूजन केलेलं आहे. निश्चितच पुढील 8 दिवसांमध्ये हे काम संपूर्ण पूर्ण होईल अशी मला खात्री आहे. प्रागवन स्पोर्ट्स क्लब पनवेल द्वारा शनिवार को पनवेल स्थित गोखले सभागृह में बख्शीश वितरण सोहला 2011 का आयोजन किया गया था, जिसमें किले बनाने वाले विजेता प्रतियोगिताओं को क्लब के अध्यक्ष तथा पनवेल के शहर सचिव नितिन पाटिल के हाथों सम्मानित किया गया. प्रागवन स्पोर्ट्स क्लब पनवेल द्वारा शनिवार के दिन गोखले सभागृह पनवेल में बख्शीश वितरण सोहला 2011 का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम के दौरान किले बनाने वाले विजेता प्रतियोगिता को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर प्रागवन स्पोर्ट्स क्लब पनवेल के अध्यक्ष नितिन पाटिल, पूर्व नगर अध्यक्ष श्याम देशमुख, परीक्षक शैलेश कदम, गाथाड़े सर, अशोक खरे आदि गणमान्य सहित बच्चे और पनवेल के रहवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे. इस अवसर पर गणमान्यों के हाथों विजेता प्रतियोगी को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया.
इस कार्यक्रम के दौरान परीक्षक अशोक खरे ने बच्चों को संबोधित किया और किले की अधिक जानकारी दी। किले बोललो शिव छत्रपती आठवला, काही मुलांना अजून शिव छत्रपती प्रतापगडावर काय झालं हे सुद्धा माहित नाही। या इंग्लिश मीडियम मध्ये काही गोष्टी शिकवत नाही, मराठी मीडियम मध्ये चांगले शिकवलं जातं, किल्ल्यांबद्दल माहिती दिली जाते, शिव छत्रपतींबद्दल माहिती दिली जाते, तशी अजून काही मुलांना माहिती नाही। पण मी त्यांच्या पालकांना एवढंच आवाहन करू शकतो का आजूबाजूचे जसे दादांनी सांगितलं, दादाने दादांनी का पालकांनी एकदा तरी जवळचा किल्ला त्यांना दाखवावा, सगळी घेऊन जावं का आयोजन करावं, ते आम्हाला असं मान्य आहे। कारण ही संकल्पना चांगली आहे, असं जर आम्हाला हातभार कोणाचा लागला तर आम्ही अशी एक ट्रीप आयोजित करू, जेणेकरून एकदा कर्नाळा किल्ला का जंजिरा किल्ला असे तुम्हाला दाखवण्यासाठी सुद्धा आम्ही फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डीमार्ट मध्ये आहेत 8,000 जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य कडधान्य ताजा भाजीपाला स्टेशनरी कॉस्मेटिक्स गिफ्ट आर्टिकल्स भांडी प्लास्टिक आयटम फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा। डीमार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डीमार्ट दररोज डिस्काउंट दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डीमार्ट मध्ये म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डीमार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली। डीमार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91-67-30-75-80 म्हणजेच 9167-30-7580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्ये ही कार्यरत आहे। टीमा किसी फिल्म टीवी सीरियल का शूटिंग हो या मेरी पर्सनल लाइफ, मैं सारी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। सारी के लिए पनवेल में बस एक ही नाम, बिंदनी सारीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। यहाँ मेरी पसंद की एक्सक्लूसिव साड़ियाँ मिलती है। कोई स्पेशल साड़ी लेनी हो या फिर बढ़िया डिजाइनर साड़ी, मैं सिर्फ बिंदने से ही लेती हूँ। यह है दिल छू लेने वाली डिजाइनर साड़ी विद वर्क, और यह डिजाइनर साड़ी विद फैंसी वर्क, पार्टी और फैमिली फंक्शन के लिए सिल्क साड़ीज, प्योर सिल्क वर्क साड़ीज, नई नवेली दुल्हन के लिए ब्राइडल वेयर, और मेरी फेवरेट प्योर सिल्क सुपर नेट साड़ी, और साथ में ड्रेस मटेरियल भी। हर दिल की ख्वाहिश बिंदनी, खूबसूरत हसरत का ख्याल बिंदनी। बिंदनी सारीज एंड ड्रेस मटेरियल, शॉप नंबर 2 नील अथर्व MTNL रोड अपोजिट दुर्गा माता मंदिर पनवेल। क्या आप अपनी पुरानी कार या घटिया सर्विस से परेशान हैं, या आप मेंटेनेंस पर खर्चा करते करते थक गए हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता दूर करेगा रायगढ़ का सबसे बड़ा कार शोरूम, आपका अपना काइज़न हुंडई भव्य कार शोरूम, जहां आपको मिलेगी हुंडई कंपनी की हर प्रकार की कार, जैसे हुंडई सेंट्रो, i10, i20, लेटेस्ट वेरना और एसेंट एग्जीक्यूटिव। हम मानते हैं कि ग्राहक भगवान हैं, लिहाजा हमारे शोरूम में आए हर ग्राहक को हम मुहैया कराते हैं सबसे अच्छी हॉस्पिटलिटी, बेहतर सर्विस और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स। और हाँ, काइज़न हुंडई में आप अपनी पुरानी गाड़ी के बदले पा सकते हैं नई चमचमाती कार। आपकी गाड़ी की हर समस्या को सुलझाकर आपको चिंता मुक्त करने का हम वादा करते हैं। हम बाध्य हैं आपके सपने को हकीकत में बदलने के लिए।
तो अवश्य आइए रायगढ़ के सबसे बड़े हुंडई कार शोरूम काइजन हुंडई में और खरीदिए अपनी मनपसंद कार। आपके जीवन में लाएगी खुशियों की बहार काइजन हुंडई से खरीदी हुई कार। हमारा पता है काइजन हुंडई गट नंबर 33 पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज के पास पनवेल। हमारे संपर्क नंबर है सेल्स विभाग 02261359999, सर्विस विभाग 02261359000 और हेल्पलाइन नंबर है 8898066000। काइजन हुंडई की एक और शाखा महाड़ में भी खुल चुकी है और जल्द ही हम शुरू करने जा रहे हैं काइजन हुंडई की और दो शाखाएं अलीबाग और करजत में, तो अवश्य आइए काइजन हुंडई में। उनतीस तारीख को सुबह 2:30 बजे चाकू की नोक पर एक महिला की इज्जत लूट ली गई। तो आइए जानते हैं इस सनसनीखेज घटना में कितने आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। खबर विस्तार से। उल्वा में यह सनसनीखेज घटना घटी है जिसे सुनकर आपका मन आक्रोश से भर जाएगा। उल्वा में 29 तारीख को सुबह 2:30 बजे के वक्त दो युवकों ने मिलकर एक मजदूर के घर का दरवाजा तोड़ दिया और चाकू का धौंस दिखाकर उसकी बीवी को खींचकर सीढ़ियों के आड़ ले जाकर एक अबला की इज्जत लूट ली। पीड़ित महिला का पति उल्वा गांव के लोगों का दरवाजा खटखटाकर लोगों से मदद के गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी व्यक्ति मदद के लिए सामने नहीं आया। एक महिला की इज्जत तार तार हो गई। प्रतीत होता है कि आज का आदमी कितना संवेदन शून्य हो चुका है। आप खुद देखिए, हम आपसे कोई कोरी काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं। आप खुद देखे पीड़ित व्यक्ति ने हमारे प्रतिनिधि को अपनी आप बीती में क्या बताया। सुशील जी, ये बताइए कि जिस तरह से दर्दनाक घटना आपके साथ घटी है, क्या उस वक्त आपने लोगों से गुहार नहीं लगाया कि कोई बचाओ या दो आदमी चाकू से मुझे मारना चाहते हैं? सर, मैं जोर जोर से जाके दरवाजा पीट रहा था, कोई दरवाजा ही नहीं खोला उस टाइम, तो मैं क्या करता, बेसहारा हो गया। तो अच्छा ये बताइए, कब तक आप दर दर भटकते रहे कि कोई आ जाए, बचने का और बचाने का गुहार लगाते रहे? कितने देर तक इस तरह से भागते रहे आप? सर, आधे घंटे के करीब तक मैं चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं उठा। कोई नहीं उठा सर। पूरे गांव में आपने जैसा कि बताया कि आप गांव में भी चले गए, गांव के लोगों से भी गुहार लगाई? हाँ सर, तो पांव भी पकड़ के बोला, तो वो आदमी ऐसा बोलता है हमारा दुश्मनी है, हमको मारेंगे, इसके लिए नहीं है। अच्छा, मतलब गांव के लोगों का आपने पैर भी पकड़ लिया कि मुझे बचा लो? सर, हमारी इज्जत बचाओ, ये बात। कितने देर के बाद पुलिस को जानकारी मिली? मतलब सर, आधे घंटे के बाद पुलिस को बुलाया। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि पुलिस किस तरह से आपको सहयोग कर रही है या नहीं कर रही है? बेखौफ होकर बोलिए। सहयोग कर रही है पुलिस, पूरी तरह सहयोग कर रही है। हालांकि NRI पुलिस ने बलात्कारी युवक को हिरासत में ले लिया है, लेकिन सामूहिक बलात्कार में शामिल अभी एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पकड़े गए आरोपी का नाम है प्रताप नरहरि पाटिल। पूरे मामले की जानकारी जब आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को हुई तब सनसनी फैल गई। हालांकि वही के किसी रहवासी ने 100 नंबर पर पुलिस कंट्रोल को जानकारी दे दी। NRI पुलिस समय न गवाते घटनास्थल पर पहुंच गई। बड़ी मशक्कत के बाद NRI पुलिस को सफलता मिली और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले पर NRI पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी झापर ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी। उल्वा में जो बलात्कार की घटना घटी, इसके पीछे कितने युवक थे? हाँ, इसके पीछे दो युवकों का हाथ था, उसमें से एक प्रताप नरहरि पाटिल को हमने अरेस्ट कर लिया है और एक जो अभी फरार है, और उस समय उसका पति उसके साथ घर में था। ये दो आरोपी संगनमत करके वहाँ पे गए और उसका बंद दरवाजे को उन्होंने अपने पैर से मारते हुए उसको तोड़ दिया दरवाजा, और हाथ में चाकू लेते हुए उसके मर्द को उसने धमकाया और मर्द को वहाँ से भगा दिया। इस तरह उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आसपास के लोग जाग के उनमें से ही किसी ने कंट्रोल रूम को फोन किया, उसी के बाद वहाँ पुलिस पहुँची है। सर, फिलहाल अभी कितने आरोपी पकड़े गए हैं और कौन कौन फरार है? अभी एक आरोपी पकड़ा गया है जिसका नाम प्रताप नरहरि पाटिल है। हाँ। और एक आरोपी फरार है जिसका नाम हम अभी आपको नहीं बता सकते। सर, ये जानना चाहेंगे जो आरोपी पकड़ा गया है उसका पैसा क्या था, किस कारोबार से जुड़ा हुआ है? वो फिलहाल कुछ काम नहीं करता है, पुलवा गांव का लोकल रहवासी है वो। फिलहाल NRI पुलिस फरार बलात्कारी युवक की सरगर्मी से तलाश कर रही है। हमारे प्रतिनिधि गोपाल शाह की रिपोर्ट। काम पर ना जाने की सजा क्या हो सकती है, आप सोच में पड़ गए होंगे, पर देखिए हम आपको बताते हैं कि काम ना करने पर एक 18 वर्षीय युवक को क्या सजा मिली। नजर डालते हैं खबर पर।
काम न करने की भला सजा इस तरह दी जाती है कि किसी को जानवर की तरह सरे राह पर पीट दिया जाए? नहीं ना, पर ऐसा हुआ है। इसे देख आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यह घटना पनवेल थाना नाके के करीब की है, जहां एक 18 वर्षीय युवक को काम पर न जाने की सजा दी गई। आप देख सकते हैं पीड़ित युवक कैसे जार जार रो रहा है। इस पिटाई को देखकर लोगों का तांता लग गया। लोगों के बीच बचाव के बाद उस युवक की पिटाई रुक गई। घटनास्थल पर जहां पुलिस कर्मी पहुंचे, वही हमारे प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उसके बाद पिटाई करने वाले 3 व्यक्तियों को पुलिस थाने में ले जाया गया। अब देखिए किस प्रकार पीड़ित बालक अपनी दास्ता बयां कर रहा है। ये भी मारा साहब, वो भी बोलता है, ये देखो मेरा सुनो, मैं मोटर चालू करने गया था, उसके लिए लोग ने उसका भाई मेरे को अमरेश। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारा 18। क्या काम करते हो? इनके साथ उधर करता था पानी मारने को। पानी मारता वो? नहीं, 3 दिन से मेरा से झगड़ा कर रहे हैं ये लोग, और ये भी ये लोग तीन होते। अरे मैं तो इतना था ही नहीं, तो ये भी अभी मारा मेरे को बहुत। वही पीटने वाले ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्या काम करते, क्यों पीटा आपने इसको बताइए, क्यों पीटा इसको? मारने की वजह क्या थी ये बताओ, क्यों मारा उसको? बस सर वहाँ पे था नहीं, लोग लफड़ा हुआ, कॉल किए, मैं वहाँ पे आया। इसको तुमने नहीं मारा? मैं पूछो इसे, हमसे मिला इसको पकड़ा ना, कोई नहीं कुछ करेगा, दुरुग तुमने मारा या नहीं? नहीं मारा सर। किसने मारा इसको? मारा बोलो, ये बताओ किसने मारा तुमको? इसका भाई है और ये भी। ये दोनों ने मारा? ये तीनों। देखो बहुत मारे, दुखते बहुत। पीछे मारे, किधर मारा तेरे को? फिलहाल मीडिया और पुलिस पीड़ित युवक को न्याय दिलाने में कामयाब रही। 3 व्यक्तियों को पुलिस ने पूछताछ करने के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया है। चलते चलते दोबारा एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मीटर बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने के कारण खांदा कॉलोनी स्थित तुलसी प्रेरणा अपार्टमेंट में लगी आग, 10 लाख रुपए का हुआ नुकसान। राज्य स्तरीय शालेय हैंडबॉल स्पर्धा का करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी में किया आयोजन, विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया उद्घाटन। और पनवेल नगर पालिका द्वारा पनवेल शहरों में किए जा रहे हैं विभिन्न विकास कार्य, बल्लारेश्वर मंदिर के पास किया जा रहा है पेवर ब्लॉक का कामकाज। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो, या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 2745-7338। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।